कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सबसे पहला है लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। हमने चैप्टर और वन और टू में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, ये एनिमल्स के लिए भी और जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। वी ऑल्सो हैव लर्न दैट प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें हमने देखा था कि जो प्लांट अपना जो फूड है फोटोसिंथेसिस फिनोमिना से जो बनाते हैं, एनिमल जो है प्लांट्स के ऊपर दूसरे एनिमल के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करते होते हैं। फूड गिव ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, ऑर्गेनिज्म ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। तो कह रहे जो एनिमल है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है और दूसरे एनिमल्स के लिए जो है फूड के ऊपर डिपेंड है। फूड जो है हमें एनर्जी देता है ग्रोथ के लिए, और जो ऑर्गेनिज्म है ऑल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर, ऑर्गेनिज्म जो है इस एनर्जी का कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे जो लाइफ प्रोसेस होते हैं रेस्पिरेशन और जो ब्रीथिंग, ये सारे प्रोसेस लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, ये वहाँ पे जो है ये एनर्जी का वो यूज करते हैं। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स की, जो लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है। तो लिविंग थिंग को फूड की जरूरत होती है और एनिमल्स को भी फूड की जरूरत होती है। जो प्लांट है अपना जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस फिनोमिना से बनाते हैं, जो एनिमल है वो प्लांट के ऊपर और दूसरे एनिमल के ऊपर फूड के ऊपर डिपेंड है। जो कह रहे हैं फूड जो है गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो, फूड जो है गिव्स ऑर्गेनिज्म द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। जो फूड है वो फूड से जो हमें जो एनर्जी मिलती है वो ग्रो करने में हेल्प करती है, और जो एनर्जी का कहाँ यूज करते हैं, और लाइफ प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन जो जो हमारे जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वहां पे ये इस एनर्जी का यूज होता है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। कह रहे जो कुर्ता हमने 4 साल पहले सिलवाया था क्या अब हमें स्टिल फिट होता है? नहीं, क्योंकि हम जो है थोड़े से बड़े हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो डे बाय डे जो है हमारी जो है ग्रोथ हो रही है, तो जो हमारे बेबी हैं वो अडल्ट में जो है अडल्ट बन जाता है। तो जैसे दिखाया हुआ है हमें नीचे जो बॉय है वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है, तो लिविंग थिंग जो है सारे के सारे ग्रोथ शो करते हैं। कह रहे उसके बाद कह रहे हैं पप्स ऑफ डॉग ग्रो इनटू अडल्ट, अ चिकन हैच फ्रॉम एन एग ग्रो इनटू एन हैन ऑन अ कोक। तो ये कह रहे हैं कि जो चिकन है वो अडल्ट में जो ग्रो होता है, तो ये दिखाया हुआ था 9.11 में जो पप्स है डॉग के वो अडल्ट में कैसे चेंज होते हैं। चिकन जो है हैच होता है एग से और वो हैन में जो है ग्रो हो जाता है। तो कह रहे कि प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, प्लांट भी ग्रो होते हैं, एनिमल तो ग्रो होते हैं प्लांट्स भी ग्रो होते हैं। लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड सम आर यंग। कह रहे कुछ एनिमल जो है बिल्कुल छोटे होते हैं, कुछ एनिमल जो है बड़े होते हैं, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं। दे मे बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, और ग्रोथ की वो डिफरेंट स्टेजेस होती है। जैसे लाइफ साइकिल हमने सिल्क वर्म का पढ़ा है, तो उसमें जो हमारी सिल्क वॉर्म की जो स्टेजेस होती हैं, पहले लार्वा कैटरपिलर बनता है, फिर जो है सिल्क वॉर्म बनता है। तो ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, जो सारे लिविंग थिंग्स में जो कॉमन फैक्टर क्या है, ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है। कह रहे डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ, जो नॉन लिविंग थिंग है वो ग्रोथ को शो नहीं करते। डू ऑल लिविंग थिंग रेस्पायर, क्या जो लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं? Yes, can we live without breathing? When we inhale, the air moves from outside to inside of the body. When we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is a part of process called respiration. के जो सारे के सारे जो living things हैं वो सांस लेते हैं, तो कह रहे breathing जो है respiration का एक part होता है। Respiration में क्या होता है कि कह रहे some of the oxygen of the air we breathe in is used by the living body. We breathe out the carbon dioxide produced in the process. के जो लिविंग थिंग्स है सारे के सारे हमारे सांस लेते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं तो एयर जो है हमारी आउटसाइड टू इनसाइड जो हमारी जाती है। तो कह रहे कि जो ब्रीथिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन। कह रहे जो ब्रीथिंग तो सांस लेता और सांस लेना होता है, और रेस्पिरेशन में क्या होता है कुछ ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो लिविंग बॉडी इसको ले लेती है। वी ब्रीथ आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रोसेस में बाहर निकालते हैं। तो ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन में क्या होता है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। द प्रोसेस जो ब्रीथिंग का जो जैसे एनिमल में, काउ में, बफेलोज में, डॉग्स में, कैट्स में जो बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे ह्यूमन में होता है। तो ब्रीथिंग प्रोसेस जो एनिमल के अंदर और ह्यूमन के अंदर जो है सेम होता है। Observe any one of these animal while they are taking rest and notice the movement of their abdomen.
द स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग, क्या जो ब्रीथिंग का प्रोसेस है वो काओ में, डोमोफेलो में, डॉग में, कैट में बिल्कुल सिमिलर है जैसे ह्यूमंस में है। तो कह रहे कि जो हमारे ऑब्जर्व एनी ऑफ द दिस एनिमल व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, द स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। तो कह रहे जो रेस्पिरेशन है इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन जो है सारे ऑर्गेनिज्म के लिए जो है बहुत जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। तो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है, कह रहे सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो सांस लेते हैं। तो कह रहे कि कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग, क्या हम ब्रीथिंग के बिना जो है हम रह सकते हैं। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो एयर जो है मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड से आउटसाइड जो है, आउटसाइड से इनसाइड जो है एयर मूव्स करती है, एयर अंदर जाती है और जो वो बाहर जो हमारी जो है एयर जो है बाहर आती है, ब्रीथिंग जो है रेस्पिरेशन का पार्ट है। तो कुछ ऑक्सीजन जो है हमारी जब ब्रीथ लेते हैं वो यूज हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोसेस में बाहर आती है, और ब्रीथिंग जो है एनिमल जैसे काओ, बफेलो, डॉग, कैट में जो बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है जैसे ह्यूमन के अंदर है। ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज एनिमल वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन, द स्लो मूवमेंट इंडिकेट दैट दे आर ब्रीथिंग। जो रेस्पिरेशन है सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो रेस्पिरेशन बहुत जरूरी है। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, कुछ जो एनिमल जो है उनका बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैसेज का प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है, विच इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल आर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, आर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू जो है ब्रीथ करते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वॉटर, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वॉटर। कह रहे कुछ एनिमल जो है उसमें उनका प्रोसेस जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू जो सांस लेते हैं, फिश वी हैव लर्नड फिश में जो गिल्स होते हैं जो वहां से ऑक्सीजन जिसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व होती है वो फिश जो है वहां से ऑक्सीजन लेते हैं, और गिल्स क्या करते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कह रहे कि कुछ जो प्रोसेस है हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल एक्सचेंज ऑफ गैसेस का बिल्कुल रेस्पिरेशन में इसमें डिफरेंट है। कह रहे आर्थवर्म जो है स्किन के थ्रू सांस लेता है, फिश जो है हमने पढ़ा है गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं, और वो कहाँ से लेते हैं ऑक्सीजन, जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। तो पानी के अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, H2O जो होता है उसमें वहां से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, वहां से जो ऑक्सीजन है वहां से फिश गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन ले लेती है। और आर्थवर्म जो है कैसे ब्रीथ करता है, स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी सांस लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स, के प्लांट जो है कह रहे प्लांट भी सांस लेते हैं। एक्सचेंज जो इसके अंदर जो गैसेज हैं प्लांट्स के अंदर, डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, यस एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स, जो लीव्स के थ्रू ही जो गैसेज का एक्सचेंज होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर इन देम, इसके अंदर जो टाइनी होल्स होते हैं वहां से वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एयर में छोड़ते हैं। तो सारे के सारा जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, हमारी जो उसकी लीव्स में होता है। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम वेयर एज रेस्पिरेशन इन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। कह रहे हमने वी लर्न दैट इन सनलाइट, सनलाइट के अंदर प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज करते हैं एयर में और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, प्लांट जो है अपना फूड जो प्रिपेयर करते हैं डे टाइम में, वेयर रेस्पिरेशन देम टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पिरेशन जो है डे में भी होती है और नाइट में भी होती है। जो ऑक्सीजन जो रिलीज करती है वो कितने अमाउंट में होती है वो डिपेंड करता है प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पिरेशन। तो इसकी जो सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी हमने, लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है और सारे के सारे जो लिविंग थिंग है वो ग्रोथ शो करते हैं और प्लांट्स भी ग्रोथ शो करते हैं। और इसके जो साइकिल होता है कि जैसे उसके पहले ये बनेगा फिर ये बनेगा, जैसे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग भी होता है, लाइफ साइकिल ऑफ हमारा बटरफ्लाई भी होता है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ग्रोथ की। और कह रहे कि जो लिविंग थिंग है वो सांस लेते हैं, तो ब्रीथिंग जो है पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कुछ ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं और कुछ जो है यूज करके उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है उसमें काओ और बफेलो में भी सेम है जैस कंपेयर टू ह्यूमन।
जैसे ह्यूमन का होता है वैसे ही हमारा एनिमल्स का होता है। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेशन है वो नेसेसरी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, कि कुछ एनिमल जो है उसका जो प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट होता है, कि जो अर्थ फॉर्म है वो स्किन के थ्रू सांस लेती है। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स, फिश जो है वो गिल्स के थ्रू जो सांस लेते हैं, जो उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है पानी के अंदर वहां से और सांस लेते हैं। जो गिल है वो एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन वाटर, जो गिल्स है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो प्लांट है वो भी सांस लेते हैं, कि जो ऑक्सीजन जो गैसेस होता है इसके अंदर वो लीव्स के लीव्स में होता है प्लांट्स में, और वो उसमें क्या होता है टाइनी होल्स होते हैं और उसके थ्रू जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो उसके बाद है जो लिविंग थिंग है, डू ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, और उसके बाद है एक्टिविटी फोर, उसके बाद है लिविंग थिंग्स एंड एक्सप्रेशन, और लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस देयर ओन काइंड, और उसके बाद हमारा है लिविंग थिंग्स मूव, जिसकी जो हमारी लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको हमने फेयर नोटबुक पे लिखना है। सबसे पहला हमने पढ़ लिया, हमने लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, लिविंग थिंग रेस्पायर। अब है डू ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू सडनली स्टॉप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन वाइल वॉकिंग बेयर फुट, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड, यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इन टू अ ब्राइट सनलाइट, व्हाट हैपेंस, योर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू अ चेंज ब्राइट सराउंडिंग। जो लिविंग थिंग जो है रिस्पॉन्ड करती है स्टिमुली के अकॉर्डिंग, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड इफ यू स्टेप ऑन अ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक अ थ्रोन वाइल वॉकिंग बेयर फूड, हाउ डू यू फील वेन यू सी और थिंक अबाउट यूर फेवरेट फूड, कि हम कैसा फील करते हैं जब हम फेवरेट फूड के बारे में स्टडी करते हैं। यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इन टू ब्राइट लाइट, तो हम सडनली जो है डार्क से ब्राइट लाइट में मूव करते हैं, तो वट हैपन्स, तो क्या होता है, यूर आईज शट देमसेल्फ ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट, तो हमारी जो आईज है बिल्कुल ऑटोमेटिकली जो है शट हो जाती है टिल दे एडजस्ट टू द चेंज ब्राइट सराउंडिंग, और वो ब्राइट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट हो जाती है। योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट, thrown in the above situation are some example of changes in your surrounding. All of us respond immediately to such changes in our surrounding that makes us respond to them are core stimuli. तो कह रहे कि they adjust to the change, वो अपने जो है surrounding के according adjust हो जाते हैं। जो हमारा favorite food है, bright light है, thrown है, जो ऊपर वाली situation में जो कैसे किसके example हैं, changes in our surrounding. All of us respond immediately to such changes in our surrounding that makes us respond to them are core stimuli. जो हमारे जो changes हैं इसके according जो हो रहे हैं वो क्या है, हमारे stimuli हैं. Do other animal also respond to stimuli? क्या जो सारे के सारे animal भी stimuli को जो respond करते हैं? Observe the behavior of animal. कह रहे हैं कि animal का behavior observe करो. When the food is served to them, जब उसको food serve किया जाता है, Do you find them suddenly become active on seeing the food? क्या वो फूड को देखने के बाद बिल्कुल एक्टिव बन जाता है? When you move towards the bird, what does it do? कि बर्ड के पास अगर हम जाते हैं तो वो क्या करता है? Wild animals run away when bright light is flashed towards them. कि अगर जो जंगली जो एनिमल्स होते हैं वहां पे अगर हम जाते हैं तो अगर उसके ऊपर ब्राइट लाइट डालते हैं तो वो दूर भागते हैं. सिमिलरली जो कॉकरोच बिगिन्स टू मूव टू देयर हाइडिंग प्लेस इफ द लाइट of the kitchen is switched on at night. Okay, night में अगर जो किचन की लाइट अगर हम ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो जो कॉकरोच है वो कहाँ चल जाते हैं, जो हाइडिंग प्लेसेस होते हैं वहां पे छिप जाते हैं. कैन यू सम मोर एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनिमल टू स्टिमुली, तो हमने इसको कुछ स्टिमुली दी तो उसके अकॉर्डिंग क्या वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कुछ हम उसके अंदर ऊपर चेंज करते हैं तो उसके बाद क्या हमने चेंज ऑब्जर्व किया, तो ये क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. Do plants also respond to stimuli? क्या कि प्लांट भी क्या स्टिमुली रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे फ्लावर्स और सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट, कि कुछ प्लांट ऐसे हैं वो रात को ही इसके फ्लावर जो है ब्लूम करते हैं. इन सम प्लांट फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट, कुछ प्लांट्स में जो है फ्लावर जो है क्लोज हो जाता है सनसेट के टाइम. इन सम प्लांट लाइक मिमोजा कॉमनली नोन एज टच मी नोट, कह रहे कुछ प्लांट जैसे मिमोजा है वो इसको टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं, लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम, तो वो जो है क्लोज हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं जब उसको कोई टच करता है, तो ये क्या है, इसके एग्जांपल है रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स की. तो ये हमारे जो है जो हमने क्या शो किया कि जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग है वो
स्टिमुली के अकॉर्डिंग रिस्पोंड करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चेंज शो करते हैं जब उसको कुछ ना कुछ स्टिमुली दिया जाता है। जैसे अगर किसी को डार्क लाइट में अगर रखते हैं तो उसका कैसे चेंज आता है, तो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिस्पोंड टू स्टिमुली होते हैं। तो हमने लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है, लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, लिविंग थिंग रिस्पायर और लिविंग थिंग रिस्पोंड टू स्टिमुली। और एक्टिविटी 4 में हमने देखते हैं, प्लेस अ पोटेड प्लांट इन अ रूम और लिटल अवे फ्रॉम विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे। कह रहे हमने एक पोटेड प्लांट लेना है रूम के अंदर और लिटल अवे फ्रॉम द विंडो विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे, कंटिन्यू वॉटरिंग द प्लांट फॉर अ फ्यू डेज। कह रहे इसको धीरे धीरे पानी देते जाना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन। कह रहे एक कह रहे कि ये पोटेड प्लांट लेना है रूम के अंदर और क्या करना है कि कंटिन्यू वॉटरिंग द प्लांट, इसको जो है धीरे धीरे प्लांट को पानी देना है। डज द प्लांट ग्रो अपराइट, क्या जो प्लांट जो ऊपर की तरफ जो ग्रो शो करता है, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, नोट द डायरेक्शन इन विच बेंड, देखना है कि वो किस डायरेक्शन में बेंड कर रहा है। इज इट इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, डू यू थिंक दिस मे इन रिस्पॉन्स टू सम स्टिमुलस ऑल लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। तो हमने इस एक्टिविटी में देखा है कि सारे के सारे जो लिविंग थिंग है कैसे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली कर रहे हैं। तो हमने पहले एक पोटेड प्लांट लिया और उसको हमने अ लिटल अवे फ्रॉम अ विंडो थ्रू विच सनलाइट एंटर सम टाइम ड्यूरिंग द डे, दिन में जो है सनलाइट इसमें एंटर कर सके। कंटिन्यू वॉटरिंग द प्लांट, उसको कंटिन्यूटी में पानी देते जाना है, देखना है कि जो प्लांट जो है ऊपर की तरफ ग्रो शो कर रहा है, लाइक प्लांट्स आउट इन द ओपन, जो ओपन में रखा हुआ है वो और जो हमारा अपराइट रखा हुआ है वो जो प्लांट क्या ग्रो शो कर रहा है। नोट द डायरेक्शन इन विच बैंड, हमने देखना है कि किस डायरेक्शन में जो है हमारा प्लांट जो है बैंड हो रहा है। इफ इट इज नॉट ग्रोइंग अपराइट, अगर हमारा जो है जो अपराइट डायरेक्शन में हमारा प्लांट ग्रो नहीं कर रहा, तो हमने क्या कर रहे हैं कि जो ये स्टिमुली के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो अगर हमारा जो लिविंग थिंग है सारे के सारा जो हमारा रिस्पॉन्ड कर रहा है चेंजेस जो हमारे आसपास हो रहे हैं, तो हमने जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, सबसे पहला है लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ, लिविंग थिंग रेस्पायर और लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। इसकी जो हमने एक्टिविटी 4 हमने स्टडी कर ली है। उसके बाद है लिविंग थिंग्स एंड एक्सक्रीशन, ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो फूड लेते हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज ईटन एज रेयरली यूज्ड, के सारे का सारा जो फूड है वो हमारा यूज नहीं होता, ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी, कुछ पार्ट ही हमारा बॉडी जो है इसको यूटिलाइज करती है। व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट, बाकी का क्या होता है, दिस हैज टू बी रिमूव्ड बाय द बॉडी एज वेस्ट, और सारा का सारा जो हमारा वो वेस्ट के अकॉर्डिंग जो है निकलता है। अवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, वहां पे जो है कुछ जो है वेस्ट निकलता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग राइट ऑफ दिस वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन, जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग जो हमारा वेस्ट निकलता है उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, यस दे डू, कह रहे कि जैसे लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट करते हैं तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, यस। However, the mechanism in plants are a little different. Some harmful or poisonous material do not produce in plant as waste. Some plants find it possible to store the waste produced within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. तो हमने characteristics पढ़ा कि जो सारे के सारे जो living thing हैं, वो living things हैं, वो excrete करते हैं। तो कह रहे जो हम खाना खाते हैं, वो हम कुछ part इसका utilize होता है और कुछ जो है remove हो जाता है। जिस process से जो है living thing जो है हमारा वेस्ट जो यहाँ निकालते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो जैसे हमारे प्लांट्स भी हमारे एक्सक्रीट करते हैं और लिविंग थिंग्स भी एक्सक्रीट करते हैं। हैवर द मैकेनिज्म इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट, इसका जो मैकेनिज्म है प्लांट्स का एक्सक्रीशन का वो बिल्कुल डिफरेंट है एज कम्पेयर टू लिविंग थिंग्स। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटीरियल डू नॉट प्रोड्यूस इन प्लांट एज वेस्ट, कह रहे कुछ जो हमारे हार्मफुल और पॉइजनस मटीरियल निकलते हैं डू नॉट प्रोड्यूस इन प्लांट, जो हमारे हमारे प्लांट्स में जो पॉइजनस चीजें निकलती हैं वो सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद इन देयर पार्ट्स इन अ वे। तो कह रहे कि जो एक्सक्रीशन है प्लांट्स भी शो करते हैं और हमारे लिविंग थिंग्स भी शो करते हैं। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग, तो एक्सक्रीशन जो है एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो सारे लिविंग थिंग्स में बिल्कुल कॉमन है। उसके बाद है डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, जो सारे के सारे जो लिविंग थिंग्स हैं सेम काइंड का जो है जो
ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जैसे बर्ड से बर्डी प्रोड्यूस होता है और कैट से कैट प्रोड्यूस होता है, तो रिप्रोडक्शन जो है सेम काइंड का करते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं सेम काइंड का रिप्रोडक्शन करते हैं. हैव यू एवर सीन नेस्ट ऑफ सम बर्ड्स लाइक पिजन्स, मैनी बर्ड्स ले देयर एग्स इन द नेस्ट,